नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांश और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ गई है। बिहार में कोरोना से तीसरी मौत हो गई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, तीसरी मौत हो गई है बिहार में। खबर पटना के NMCH से आई है, जहां एक 54 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि वह व्यक्ति जो है कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन वो पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे। उसके बाद उनका इलाज पटना के NMCH में चल रहा था, जिसके बाद आज उनकी मौत हो गई। और इसके साथ ही बिहार में कोरोना से मृतकों की संख्या हो गई है 3। आपको याद होगा कि किस तरीके से 22 मार्च को पहला केस मिला था और उसकी मौत भी हुई थी मुंगेर के मोहम्मद सुहेल के रूप में। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव की मौत नहीं हुई थी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही वैशाली के राघोपुर के एक युवक की मौत हो गई थी। और बिहार में मरने वालों की कुल संख्या हो गई थी 2। और आज इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि बिहार में तीसरा मौत भी हो गया है कोरोना से। मोतिहारी के रहने वाले थे युवक, वो व्यक्ति जो 54 वर्षीय व्यक्ति मोतिहारी के रहने वाले थे। हालांकि कैंसर का इलाज उनका चल रहा था मुंबई के एक अस्पताल में। फिलहाल जब कोरोना पॉजिटिव हुए तो उनका इलाज NMCH पटना में चल रहा था। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है, NMCH की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है जो 54 वर्षीय है, मोतिहारी के रहने वाले हैं, कोरोना पॉजिटिव थे, कोरोना से मौत हुई है। तो बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या हो गई है 3। आपको बता दें कि बिहार में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अब तक के जो आंकड़े हैं, आज के तीसरे अपडेट के अनुसार 466 लोगों की मौत हो गई है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आज तीसरे अपडेट में भी 16 नए मरीजों की पहचान की गई है। उससे पहले 18 नए मरीज की पहचान की गई थी। यानी अगर हम दिन भर की बात करें तो करीब 3 दर्जन से अधिक मामले आज सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में लगातार आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब मृतकों की संख्या भी बढ़ गई है। तो 3 मौतें हो गई है बिहार में, 84 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं और 466 लोग संक्रमित अब तक बिहार में हो चुके हैं। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।